आज मुझे दोबारे इस मंच से बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पहले आपने बोलने का सब्जेक्ट दिया, ना भाव में जियो ना अभाव में जियो, बस अपने स्वभाव में जियो। और मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे सुबह विश्व की तमाम शक्तियों से मिलवाया और ऐसे सुंदर सब्जेक्ट पे बोलने का शुभ अवसर दिया कि ना भाव में जियो ना अभाव में जियो, बस अपने स्वभाव में जियो। उसी तरीके का दूसरा सब्जेक्ट आज आपने दे दिया जो राजनीति से जुड़ा है, जो देश की शासन तंत्र से जुड़ा है, जो देश के धर्म से जुड़ा है। किसी भी देश के अंदर अनेकों धर्मों के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन एक देश सदैव उस देश की संख्या के आधार पर राजा को, शासक को, प्रशासक को चुनने का मौका देता है। और पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो धर्म और राजनीति सदैव साथ साथ रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, ये ना संभव था, ना संभव है, ना संभव होगा। क्योंकि जो भी शासक बैठता है, राजा बनता है, उसका कोई ना कोई धर्म होता है। और जब वो जन्म लेता है इस धरती पे और जब तक राजा बनता है, उसी धर्म के अनुयायियों के बीच में उसको रहना होता है। इसलिए उसी धर्म के लोगों की बात राजा को माननी होती है। और ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि राजा वही अच्छा होता है जो धर्म का अनुपालन करे। और धर्म का अनुपालन वही राजा कर सकता है जिसके पास राज सत्ता हो, और राज सत्ता का पालन करने के लिए धर्म गुरुओं का सानिध्य, धर्म गुरुओं का आशीर्वाद, धर्म गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा अति जरूरी है। यदि किसी भी शासक के समय में राजनीति और धर्म अलग अलग हो जाएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति राजा बनने योग्य नहीं है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता हो, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो, वही राजा अच्छा शासक कहलाएगा। और धर्म यह भी सिखाता है कि हम जो राजा बने हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए बने हैं, औरों के धर्मों की रक्षा के लिए बने हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पे अन्याय न कर सके, कटुराघात न कर सके, अत्याचार न कर सके। अनेकों राजाओं ने अपने शासनकाल में दूसरे धर्मों के लोगों को दबाया, सताया, धर्म परिवर्तन भी कराया, लेकिन आज भारत के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। और यहाँ के लोगों की सोच सदैव राजनीति से जुड़ी रही है, और जिधर राजनीतिक पासा चलता है वह पासा राजनीतिज्ञों के कारण नहीं चलता, बल्कि जनता की वोट के कारण चलता है। और इसीलिए इस देश के अंदर अधिकांश लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो राजा भी हिंदू होगा, उसकी सोच भी हिंदूवादी होगी, उसकी राजनीति भी हिंदूवादी होगी। लेकिन उस राजा को यह भी ध्यान रखना है कि अन्य धर्मों पर हमें कोई भी अत्याचार नहीं करना, कोई भी दुराचार नहीं करना, कोई भी अनादर नहीं करना। और इसीलिए
मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए। और इसीलिए इस देश को आगे बढ़ाना है, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, और इस देश को एक ऐसी सोच देनी है। मैं तो ये कहूँगा, धर्म और राजनीति को अलग करने वाले दुराचारी लोग अब ये नहीं चाहते कि भारत का शासक एक हिंदू सम्राट हो। हिंदू धर्म के लिए जहाँ वो काम करता हो उससे भी कई ज्यादा ये जिम्मेदारी उसकी बनती है कि इस देश के आने वाले यंग ब्लड में हिंदुत्व की नई सोच को, हिंदुत्व की नई पहचान को, हिंदुत्व के नए विश्वास को जागृति दे, ताकि ये देश पुनः विश्व महाशक्ति बने और COVID-19 के इस समय में हम धर्म और राजनीति को अलग करने वाली बात को बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म से राजनीति को और राजनीति से धर्म को अलग कर देगा, मेरे कहने का आशय, मेरे कहने का विश्वास, मेरे कहने का पराक्रम, मेरे कहने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये है कि राजनीति और धर्म साथ साथ रहे हैं, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है, और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।